भागलपुर में आम जनजीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। भागलपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है, लेकिन अनुभव 47 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी का हो रहा है। इसका असर भागलपुर के जगतपुर झील पर साफ देखा जा रहा है। ठंड के मौसम में विदेशी पक्षियों से गुलजार रहने वाला जगतपुर झील 80% सूख गया है। जगह जगह दरारें आ गई हैं, जमीन फट चुकी है, जलकुंभियां जल गई है, पानी नहीं मिलने से पक्षियां प्रवास कर चुकी है। पर्यावरणविद की माने तो भूमि के नीचे जल नहीं होने के साथ ही जलकुंभियां ज़्यादा होने से ऐसे हालात हुए हैं और भीषण गर्मी से वहां अभी पक्षियां भी नहीं पहुंच रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग भी जानते हैं कि गर्मी के कारण वाटर टेबल भी हम लोगों का काफ़ी प्रभावित हुआ है, उसी के आलोक में हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कई अवयव में काम करते हैं। सबसे जैसे इम्पोर्टेंट रहता है हम लोगों का कि तालाबों का जीर्णोद्धार करना, तो करीबन अराउंड मनरेगा के तहत हम लोगों ने 600 से 700 तालाबों का जीर्णोद्धार पूरे ज़िले में करवाया है। उसके साथ साथ भी अभी आचार संहिता के हटने के बावजूद हम लोगों ने नए स्कीम्स भी लिए हैं जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। साथ में ही कृषि विभाग के द्वारा कहलगांव में एक भू संरक्षण के अंतर्गत योजनाएँ ली गई है जिसमें अमृत सरोवर इन तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। साथ में ही जो माइनर इरिगेशन की डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी हम 28 नई योजनाओं का लोगों ने DPR तैयार किया है और विभाग को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति के बाद वहाँ पे भी काम चालू किया जाएगा। साथ साथ ही हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं और 5 लाख वृक्षारोपण का हम लोगों का टारगेट है इस बार। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था मनरेगा के तहत, साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसको कर रहा है। इसके अतिरिक्त पीने के पानी को लेकर के हम लोग पूरी टीम बनाए थे पंचायत सचिव और PRS के माध्यम से कि जितने भी चापाकल जो मरम्मती योग्य यहाँ खराब है उनका सर्वे भी हम लोगों ने करवाया है। सर्वे रिपोर्ट कंपाइल किया जा रहा है ताकि हम लोग PHD विभाग से अविलंब इसकी मरम्मती हम उनके द्वारा करवाई जा सके। और साथ में भी हम लोग नल जल का रिव्यू करते हैं कि जहाँ पर भी कोई मरम्मती योग अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो अविलंब उसको रिपेयर कराया जा सके। भागलपुर के सदर अस्पताल में अब एक ही छत के नीचे मरीजों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। 2,83,00,000 की लागत से सदर अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। चिकित्सा पदाधिकारी राजू कुमार और मैनेजर आशुतोष कुमार नए भवन का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बताया गया कि मॉडल सदर अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन लगाई जा रही है। अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में प्रबंधक जुट गए हैं। वहीं इस अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर सहित आसपास के कई ज़िले के लोगों को इलाज कराने में आसानी हो जाएगी। आज हम लोग आए हैं निरीक्षण में ये देखने के लिए कि कहाँ तक काम पूरा हो गया है। तो निरीक्षण के क्रम में देख रहे हैं कि लगभग 95% काम पूरा हो गया है और बहुत जल्दी इस महीने का अंत तक हो सकता है कि हम लोग इसको हैंडओवर लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। क्या सर सब सुविधाएं होगी अस्पताल में? पूर्व में जिस तरह से सदर अस्पताल में लोग आते थे तो उन लोगों को दिक्कत होती थी कि दवा कहीं और बट रहा है, महिलाओं का डिलीवरी कहीं और हो रहा है, बच्चे कहीं और भर्ती हो रहे हैं, तो वो सारी समस्याएँ जो है वो समाप्त हो जाएगी और सारी सुविधाएँ उनको एक छत के नीचे ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उन लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलाज में आसानी पड़ेगी। BMSICL के द्वारा इसे बनाया जा रहा है, उसमें अभी मैक्सिमम काम हो चुका है। जो मैंने इंस्पेक्शन किया था सिर्फ लिफ्ट बाकी है, लिफ्ट लगने के बाद तुरंत बाद हम उसको इनॉग्रेट करके और आम जनता के लिए वो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक सर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग प्रयास में है, चूँकि लिफ्ट में कम से कम 15 दिन समय लगता है, इंस्टॉल करने में भी उसको 8 से 10 दिन समय लगता है, तो हम दबाव बनाए हुए हैं और जैसे ही लिफ्ट आ जाता है आम जनता के लिए वो। भागलपुर जिला अंतर्गत ललमटिया थाना क्षेत्र निवासी नीरज कुमार चौधरी का शव बीते दिनों नाथनगर थाना क्षेत्र के जखबाबा बांध के पास मिला था। बताते चले कि यह हत्या जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। इस हत्याकांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा इस हत्याकांड के अभियुक्त सूरज कुमार, विकास चौधरी एवं दिलीप कुमार चौधरी को पासी टोला से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कल नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 जून को सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक जखबाबा बांध के पास नीरज कुमार चौधरी का शव, गला काटा हुआ शव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में SSP सर के द्वारा निर्देशित करते हुए टीम गठित किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए
मौके पर FSA की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया और DIU की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस पूरे टीम में थानाध्यक्ष नाथनगर राजीव रंजन, थानाध्यक्ष ललमटिया राजीव रंजन और DIU की टीम SDPO नाथनगर के निर्देशन में कार्य कर रही थी। और इसमें जो अभी तक गिरफ्तारी हम लोग किए हैं, कुल 4 अभियुक्त की संलिप्तता इसमें प्रकाश में आया है, जिसमें से मुख्य 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें सूरज कुमार पिता योगेंद्र चौधरी, विकास चौधरी पिता नंदकिशोर चौधरी, दिलीप चौधरी पिता कैलाश चौधरी, तीनों पासी टोला थाना लालमटिया के रहने वाले हैं। जो घटना का कारण यह निकल के आया है पूछताछ के में, इसमें जमीन संबंधित मामला में कुल 8 रुपये लेकर पैसे को हड़पने के नियत से मृतक की हत्या की गई है। इसमें जो चौथा अभियुक्त है वो फरार है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है, उसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना का उद्भेदन, सफल उद्भेदन तथा गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है, इसलिए SSP सर के द्वारा और अन्य बड़े पदाधिकारी के भी द्वारा इस पूरे टीम को पुरस्कृत किया जाएगा तत्काल कार्रवाई करने के लिए। बरामद की क्या क्या हुई है? अभी घटनास्थल से हम लोगों ने जो अभियुक्त का जो कपड़ा भी जो है हम लोग बरामद किए हैं तथा स्वीकृति बयान भी है और तकनीकी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है और इन लोगों के द्वारा जो स्वीकृति बयान इनके मोबाइल में भी साक्ष्य उपलब्ध है, इससे ये पूरा घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और अभी तक की गिरफ्तारी की गई है। अपराधी के इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, चूँकि अभी बस 24 घंटे का ही समय हम लोग को मिला है, तो माननीय न्यायालय में प्रसारित करते हुए अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। अगर आप भागलपुर या उसके आसपास के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में OPD सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि 200 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में 200 बेड हैं, जिसमें 7 विभाग न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि झारखंड और बंगाल से इलाज कराने के लिए भागलपुर आने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो वही पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायगंज में मरीजों का दबाव भी कम होगा। माननीय मंत्री महोदय के साथ 12 जून को समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उद्घाटन करा देना है जुलाई के दूसरे पखवाड़ा में। अभी वस्तु स्थिति क्या है तो इसमें बिल्डिंग करीब करीब बन चुका है, इसमें बिजली, पानी, AC, जनरेटर, गैस पाइपलाइन, OT और जिन अन्य चीज का टेस्ट कर लिया गया है जो फंक्शनिंग है। कुछ सहायक प्राध्यापक लोगों की पोस्टिंग हुई है, जिसमें न्यूरो सर्जरी में 2, न्यूरोलॉजी में 1, यूरोलॉजी में 2, नेफ्रोलॉजी में 3, प्लास्टिक सर्जरी में 4 और कार्डियोलॉजी में 2। तो ये कुल 14 लोगों में से मात्र 2 लोग कल इन्फॉर्मेशन दिए कि वो लोग ज्वाइन करेंगे और बाकी लोगों का 1 हफ्ता टाइम दिया गया है। एक महीना जो टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत हम लोग को देखना है कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जब ये लोग ज्वाइन कर लिएंगे तो हाइट्स को करीब 92 उपकरण देना था, जिसमें से 50 उपकरण का वो सप्लाई कर चुका है, लेकिन इंस्टॉल्ड इसलिए नहीं हुआ कि इंस्टॉल कराने वाले एक्सपर्ट लोग नहीं थे। जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ये लोग अपने अपने विभाग के अति सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका अपनी देख रेख में इंस्टॉलेशन कराएंगे और सर्टिफिकेट देंगे। और कुछ स्टाफ वगैरह की जो बात होगी लोकल लेवल से, वो लोकल लेवल से यहाँ से किया जाएगा और जो
सचिवालय मुख्यालय के लेवल से आना है, उन लोगों की भी पोस्टिंग निकट भविष्य में होने की संभावना है, तो उन लोगों के आते ही इसको यथाशीघ्र हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग चालू कराएं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में गंगा दशहरा को लेकर बिहार झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन मां गंगा का जन्म उत्सव है। इस दिन खासकर महिलाएं गंगा स्नान कर मां गंगा को आम का फल फूल प्रसाद चढ़ाते हुए अपनी मुराद मांगती है। वहीं इसके लिए गंगा घाट में नगर परिषद के द्वारा छोटी नाविक गंगा घाट की बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही अंचल अधिकारी रवि कुमार के द्वारा गंगा घाट में SDRF टीम को लगाया गया। इसके अलावा थाना अध्यक्ष प्रियरंजन के द्वारा गंगा घाट से लेकर कच्ची कावरिया पथ तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा दशहरा के गंगा दशहरा बढ़िया दिन छे, गंगा लहाना जरूरी छे। कसकी होय छे पुण्य होय छे पुण्य चार सब कुछ बढ़िया होय छे सब अच्छा होय छे सब अच्छा होय छे कहां से लो छठी करिए। आज का दिन ये महत्व है क्या जो आज गंगा स्नान करने आ रहे हैं? आज गंगा दशहरा है और इसका मान्य स्नान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और गंगा दशहरा के दिन शुभ माना जाता है। जो कि आज गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने से पूजा पाठ करने से उसका महत्व और सबसे बड़ा महत्व यह है कि आज पूजा पाठ करने से उसका हर मनोकामना पूर्ण होती है और इसको शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ होती है। गंगा दशहरा है तो उसी के उपलक्ष पर मैं दो लाइन गुनगुनाना चाह रहा हूँ कि हाथ जोड़ी मांगी लेनी हो रामाई के, ए बाबा फिर से निर्मल का दा हमरा गंगा माई के, ए बाबा फिर से निर्मल हमारा गंगा माई के।